चलो शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ देखिए, हेडिंग में ही दिया हुआ है कि ईपीएफओ सेट टू हाइक इंटरेस्ट ऑन पीएफ डिपॉजिट्स टू 8.25%। तो पहले थोड़ा सा पीएफ समझिए, पीएफ किसका। पीएफ में एक अकाउंट आपको ओपन करवानी होती है, खास करके उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब में है, पब्लिक सेक्टर वाले, पब्लिक जॉब वाले भी जो है, सॉरी प्राइवेट जॉब वाले, वो भी अपना अकाउंट खुलाते हैं पीएफ फंड में। एक तरह का ये फंड है, पब्लिक फंड है। तो इसमें क्या है कि आपके सैलरी में से पैसे कटेंगे कुछ रुपया, और फिर सरकार जो है इंटरेस्ट लगा के आपको सरकार रिटर्न करती है जब आप डिपॉजिट को विड्रॉल करोगे। तो अब जो है 2023 और 2024 के लिए जो है इंटरेस्ट रेट कितना देगी सरकार, 8.25। ठीक है, अब देखो ये जो पीएफ फंड जमा होता है किसके अंदर जमा होता है, तो ये है ईपीएफओ, और इसको जो रेगुलेट करता है सीबीडीटी है, ठीक ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। थोड़ा सा याद रखिए। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सीबीडीटी जो है इसने रेकमेंड किया है कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा पीएफ वाले को, 8.25%, ठीक है ना, 2023-24 के लिए। करंट रेट कितना था, 8.15, ठीक है, तो इसको बढ़ा के कर दिया गया 8.25, ये याद रखिएगा। सीबीटी है क्या, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इज ए स्टेचुटरी बॉडी। अच्छा देखो, स्टेचुटरी बॉडी मतलब क्या होता है कि ये एक मतलब लीगल बॉडी है, कानूनी निकाय है। स्टेचुटरी होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस कानून को लाया गया, इसलिए इसके स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं। तो कहता है सीबीटी जो है एडमिनिस्टर्स एक कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडियाज ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कफोर्स। तो ये जो पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक ना, पीएफ फंड हो गया, इन सारे को कौन एडमिनिस्टर करता है, एग्जीक्यूट करता है, ये सीबीटी। ठीक है, चलो याद रखिएगा थोड़ा सा। सर, ये सीबीटी कंट्रोल करता है ना इन चीजों को? हाँ, अब देखिए एक न्यूज है, प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज पूछ सकता है या पर्सन न्यूज। देखिए इनका क्या नाम है, ए रामचंद्रन। तो ये क्या है, याद रखिए, आर्टिस्ट है, कितने साल की उम्र में मरा, तो 88 ईयर्स में इनको किडनी इश्यूज था। तो जन्म हुआ इनका 1935 में, ये सब तो नहीं याद रखना है, तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ। लेकिन हाँ, रामचंद्रन जी जो है किस चीज के लिए जाने जाते थे, फॉर हिज मोनूमेंटल कैनवास, कलरफुल ऑयल और वाटर कलर पेंटिंग। पेंटिंग की दुनिया में इनका नाम है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। स्कल्पचर भी बनाते थे, मूर्ति जो होता है वो। आर्ट एंड कल्चर का हो गया ना ये पॉइंट फिर तो? हाँ, आर्ट एंड कल्चर का हुआ, लेकिन किस टाइप का स्कल्पचर बनाते थे वो नहीं दिया। तो इस आदमी के बारे में दिया, ये डेथ कर गया, ठीक है ना। तो मास्टर वाज कंफर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड इन 2005। अब देखिए क्यों इस ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला और ये डेथ कर गए, तो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रोस्पेक्टिस। चलो अब देखिए, कहता द मास्टर वाज कंफर्ड, अच्छा ये तो हो गया। ये न्यूज देखिए, एक कौन सा, GS Paper 3, मैरीटाइम सिक्योरिटी या डिफेंस में भी ले सकते हैं इसको। तो हमारे जो नेवल चीफ स्टाफ है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है हमारे, एडमिरल आर हरि कुमार। थोड़ा तो सा पहले तो ये याद रखिए, अभी इन्होंने किस चीज को इनोग्रेट किया है, तो एक रडार को इनोग्रेट किया है, उस रडार का नाम है PAR, ठीक ना। तो ये जो हमारा शिप है INS उत्क्रोश, तो हमारा कहाँ पे है ये सिचुएटेड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। तो अब कहता है कि
है क्या इसमें, तो विच विल एनेबल हाईली एक्यूरेट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल गाइडेंस टू लैंड एन एयरक्राफ्ट सेफली सेफली इन लो विजिबिलिटी कंडीशन सच एज हैवी रेन एंड फॉग। देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये शिप है, अब शिप पे क्या हो रहा है, एरोप्लेन आ रही है, ठीक ना, लैंड करेगा, तो इसको वर्टिकल वर्टिकल ये और हॉरिजॉन्टल, इसको लिफ्टिंग के लिए क्या करेगा, गाइड करेगा कौन, रडार, PAR। जैसे कि हैवी रेन और फॉग, तो खूब बारिश है और क्या है, फॉग है, तो उस समय विजिबिलिटी बहुत कम होता है, तो वहां पे ये मदद करेगा कौन, रडार, PAR, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इनोग्रेट किया एक और डिवाइस है, IUHDSS, ये क्या है, तो ये जो है पोर्ट ब्लेयर में इसको मतलब एडजस्ट किया गया है। इसका क्या काम है, IUHDSS का, तो डिटेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग सरफेस अंडर द वाटर टारगेट्स इन विसिनिटी ऑफ द नेवल जेटी, देयर बाय एनहांसिंग सिक्योरिटी ऑफ पोर्ट ब्लेयर। हाँ, तो ये क्या करेगा, तो आसपास में कोई टैंक मतलब कोई शिप आ रहा है, ठीक ना, कोई दुश्मन का है या किसका है, कितना लेवल पे है, ये सारे चीजों को चेक करेगा, कोई दुश्मन का रड मतलब शिप क्या बोलते हैं, सबमरीन तो नहीं है, ये सब सब सारी चीजें जो है ट्रैक करेगा कौन, IUHDSS, किस लिए किया गया, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो है हमारे यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो उनके सिक्योरिटी के लिए चीजें की गई है। आगे देखिए एक न्यूज है ड्रोन के बारे में दिया हुआ है, तो ये जो ड्रोन है इसको किसने बनाया है, CSIR NAL, मतलब नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, तो जो बनाया है ना ड्रोन, उस ड्रोन का नाम है HAPS, हैप्स भी बोलते हैं इसको, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। अब देखो इसके नाम से ही पता चलता है ये क्या है, तो है तो ड्रोन लेकिन एक्सेप्ट, तो ड्रोन क्या होता है, ट्रोप, ये जो है नीचे वाले लेवल में ही उड़ता है ट्रोपोस्फेयर में, लेकिन ये कहाँ जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में भी जाएगा, ड्रोन नहीं जाता यहाँ, स्ट्रेटोस्फेयर वही है जिसमें प्लेन, जिस प्लेन में क्या चलता है, मतलब जिस स्फेयर में प्लेन चलता है, अच्छा अर्थ जो है ना, अर्थ का जो एयर है हवा, तो कितने लेयर में है, तो पहला है ट्रोपोस्फेयर, फिर क्या है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ये चलता है आपका प्लेन वगैरह जो चलता है, तो वहां भी ये जाएगा, जो कमर्शियल प्लेन चलता है, समझ रहे हैं ना जो कर रहा हूँ, तो वहां तक जो है रीच करेगा अच्छा उतनी हाइट तक, ये कौन सा ड्रोन, HAPS, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज किया गया है कि इसमें फ्यूल कैसा लगेगा, तो फ्यूल जो है इसमें बैटरी लगी हुई है, और बैटरी चार्ज किससे होगा, सोलर पैनल लगा हुआ है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये अच्छा खासा जब तक चाहेगा आकाश में क्या कर सकता है, उड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कि उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया, पास करा दिया है दोनों हाउस से, तो गवर्नर के पास भेजा गया, गवर्नर से चला गया ये प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉ बन जाएगा, अगर ये लॉ बन गया तो क्या क्या चेंजेज आएंगे, इस चीजों को देख समझते हैं अच्छे से, कुछ भी दिक्कत हो तो बताना है, ध्यान से पहले समझिए। तो 7 फरवरी को क्या हुआ, उत्तराखंड असेंबली जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया, पास कर दिया इस बिल को, तो कहता है क्या कि उत्तराखंड क्या है, पहला स्टेट बनेगा, मतलब इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश के आजादी के बाद पहला स्टेट बनेगा जहां पे क्या लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहता है कि तो ये एक क्या है, एक ऐसा लॉ जो क्या करेगा, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, लिव इन रिलेशनशिप फॉर ऑल सिटीजन्स, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबके लिए क्या है, रूल्स कॉमन हो जाएगा, ठीक ना, पास होने के बाद। अब समझते हैं इसमें है क्या क्या, पहला चीज याद रखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस आर्टिकल से लिया गया, तो ये लिया गया आपको आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो है DPSP के अंदर आता है, ये याद रखिए। अब देखिए हु इज द बिल एप्लीकेबल टू, तो ये बिल जो है
मतलब ये जब लॉ बन जाएगा तो किस पे एप्लीकेबल होगा, किस किस पे? ऐसे तो उत्तराखंड में जितने सारे लोग हैं, ऑल रेसिडेंट्स, सारे पे लागू होगा, लेकिन कुछ जगह है जहां पे ये यूसीसी लागू नहीं होगा। कौन से? तो ऐसे होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी, जो आदिवासी समुदाय है, जो हमारे मतलब उस स्टेट का, उत्तराखंड के स्टेट का जो है कितना पॉपुलेशन है, तो 2.9% जो है पूरे स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी। तो उन पे जो है यूसीसी लागू नहीं होगा। तो ये चीजें लिखी है यूसीसी के सेक्शन 2 में, जिसमें क्या बताता है कि ये जो लॉ बना है, कोड मतलब होता है लॉ, ये जो लॉ बना है यूसीसी, तो इसमें जो इसका कोई भी मतलब प्रोविजन जो है लागू नहीं होगा। किस पे लागू नहीं होगा? ट्राइबल कम्युनिटी पे, जो शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। तो कह रहा है क्या ये चीजें जो है लिखी हुई है किस पे? तो आर्टिकल 42, सॉरी आर्टिकल 36 366, आर्टिकल 366 के क्लाउज 25 में ये चीजें लिखी है ट्राइबल्स कम्युनिटी बारे में। और इस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है? तो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक ना? और क्या कहता है इसमें, एंड द पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन हुज कस्टमरी राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट है? 25 पार्ट। 25 पार्ट में 21वें पार्ट में जो है, ठीक ना, जिसमें ये सब आर्टिकल है 142, 366, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ऐसे पर्सन्स जिसके क्या है, मतलब कुछ ऐसे पर्सन्स जिनके कस्टमरी राइट्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब जैसे ट्राइबल्स कम्युनिटी, तो उनका जो है ट्रेडिशन कल्चर को जो है हार्म नहीं किया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा है, तो इसलिए वहां यूसीसी क्या होगा, लागू होगा? बोलो। नहीं नहीं लागू होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, हाउ डज इट रेगुलेट लिव इन रिलेशनशिप। तो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे उन पे ये कैसे रेगुलेट करेगा? तो द बिल इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन ऑल हेटरोसेक्सुअल कपल्स, इरेस्पेक्टिव वेदर दे आर रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड और नॉट, टू रजिस्टर दे आर लिव इन रिलेशनशिप बाय सबमिटिंग ए स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न रजिस्ट्रार। अब देखिए ये क्या कहता है, तो उत्तराखंड में जैसे उत्तराखंड का है एक पर्सन, और दूसरा जो साथी है पार्टनर, वो उत्तराखंड का हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में कोई भी एक अगर है, तो अगर ये लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टेटमेंट अपना जारी करके लिख के जो रजिस्ट्रार होता है इस विभाग के, ठीक ना, उनको आपको सबमिट करना पड़ेगा कि वी आर लिव इन रिलेशनशिप। समझ गए बात को? ये रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिख के उन्हें सबमिट करना पड़ेगा कपल्स को। कहता है इवन इफ सच ए रिलेशनशिप इज टर्मिनेटेड द रजिस्ट्रार हैज टू बी कीप्ट इन्फॉर्म। अच्छा, अगर रिलेशनशिप खत्म हो गया, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में अब नहीं रहेंगे, तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर 21 साल से कम है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये बातें जो है किनको बताना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा कि उनका बच्चा जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, ठीक है ना? कहता है इन केस ए कपल हैज स्पेंट ए मंथ विदाउट रजिस्टरिंग देयर लिव इन रिलेशनशिप, अगर लिव इन रिलेशनशिप में है, 1 महीने अगर स्पेंट हो गया और बिना रजिस्ट्री के, ठीक ना, बिना इन्फॉर्म किए हुए, तो उसको जो है 3 महीने की जेल या 10,000 का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। और क्या होगा? अच्छा, ये बिल जो है, एक चीज इसमें छील मतलब पर्सनली मेरा भी हुआ है, पता नहीं सबका क्या है, इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन जो था कंसेप्ट, इसको खत्म कर दिया गया। जैसे शादी से पहले अगर कोई रह रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, तो अगर बच्चे हो गए तो बच्चे को क्या कहता है कि नाजायज संतान है, तो ये चीजें खत्म कर दिया गया कि वो नाजायज संतान नहीं होगा, उसको जो है लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा उसे बच्चे को, चाहे शादी से पहले बच्चा हो या शादी के बाद, ठीक है ना? चलिए अब देखिए, कहता है इज बायगेमी और पॉलीगेमी परमिटेड, तो बायगेमी या पॉलीगेमी परमिटेड है क्या इसमें यूसीसी में, मतलब ये जो स्टेट लाया है उत्तराखंड,
तो बायगेमी क्या होता है, एक से ज्यादा, एक दो शादी करना, पॉलीगेमी मतलब एक से ज्यादा शादी करना। तो इसके यूसीसी के सेक्शन 4 में, उत्तराखंड के यूसीसी के सेक्शन 4 में क्या लिखा है कि अगर कोई मैरिज कर रहा तो उसकी पहले से कोई शादी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि किसी और के साथ रिलेशन में है, शादी हो गया फिर वो दूसरा शादी करना चाहे तो नहीं कर सकता, एक समय में दो वाइफ को नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायगेमी और पॉलीगेमी क्या इसको प्रिवेंट किया गया है या नहीं, बोलिए, समझ रहे हैं? तो इसका क्या मतलब, बायगेमी बायगेमी और पॉलीगेमी परमिटेड हुआ या नहीं, जल्दी बोलो। परमिटेड हुआ अरे सर, हुआ नहीं हुआ ना, सर, समझे नहीं हुआ सर, नहीं नहीं ना। करेंगे। देखो ये मान लीजिए ये एक लड़का है और ये क्या है, एक लड़की। अब इनकी इनकी शादी होने वाली है, लेकिन ये जो लड़का है इनकी ऑलरेडी एक वाइफ है, तो क्या ये लड़का इससे शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, दो वाइफ नहीं रख सकता एक समय, तो बायगेमी और पॉलीगेमी नॉट परमिटेड, समझे बात को? पॉलीगेमी में कितनी वाइफ के लिए बोला गया है? एक से ज्यादा। क्या बोल रहे हो, पॉलीगेमी में कितनी वाइफ के लिए बोला है? एक से। दो से ज्यादा हुआ तो पॉलीगेमी हो गया, 3 4 5 10 14, ठीक है, और बायोगेमी में दो। दोनों में दो ऐसा? तो बायोगेमी में दो शादियों का बताया है और पॉलीगेमी में एक से ज्यादा शादी करना है ना सर? बायगेमी मतलब, हाँ बायगेमी मतलब कि एक से ज्यादा वाइफ, पॉलीगेमी मतलब दो से भी ज्यादा वाइफ, समझे? बाय मतलब दो होता है, मतलब दोनों परमिट नहीं है। दो शादी, जब दो शादी नहीं पॉसिबल है तो बोलोगे 5 शादी पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, ठीक है, लिखा है ना, बायगेमी और पॉलीगेमी परमिट मतलब परमिटेड ही नहीं है, प्रोहिबिटिंग मतलब प्रोहिबिटिंग। चलो आगे देखो, कहता है डू मैरिजेस हैव टू बी रजिस्टर्ड, तो क्या मैरिज होने के बाद रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा? हाँ होना पड़ेगा, अगर ये कानून लागू हो गया, ठीक ना, लॉ बन गया, इसके लागू होने के बाद जो भी शादी होगी उसको 60 डेज के अंदर जो है रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि हम लोगों ने शादी की है। फिर कहता दिस अप्लाइज टू मैरिजेस सोलमनाइज विद द स्टेट और आउटसाइड इट्स टेरिटरी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन पार्टी टू द मैरिजेस इज रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड। अच्छा कहता है कि शादी जो है आप स्टेट में भी कर सकते हैं और स्टेट से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक पार्टी जो है उत्तराखंड का रेसिडेंट होना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली होगा ही। फिर कहता है ऑल दो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विल नॉट इनवैलिडेट, अच्छा अगर कोई शादी कर लिया और रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो क्या मैरिज इनवैलिडेट हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन उसे फाइन भरना पड़ेगा। कितना फाइन है, पेनल्टी 10,000 है, मतलब मैरिज कर लिया और रजिस्ट्री नहीं करवाया तो 10,000 का फाइन है। अगर फॉल्स फॉल्स नॉलेज दिए, मतलब रजिस्ट्रार को गलत इन जानकारी दिए, ठीक ना, शादी के संबंध में, तो 25,000 का फाइन और 3 महीने की जेल भी है। फिर कहता है मैरिज सेरेमनी, तो मैरिज सेरेमनीज कैन बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ एनी रिलीजियस एंड कस्टमरी राइट्स डिटेल्ड अंडर लेजिस्लेशंस। अब देखिए कहता है कि शादी विवाह जो है जो भी धर्म के हैं अपने अनुसार शादी कर सकते हैं, तो वहां पे शादी के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, आर्या मैरिज वैलिडेशन एक्ट है, ये सब वहां पे शादी के लिए एक्ट है, तो जो इसमें लिखा है इस ये सब कानून में उसके अनुसार शादी होगा, मतलब कि जो रिलीजियस जैसा चाहे शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपने अपने रीति रिवाज से। अब कहता है व्हाट अबाउट डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, अच्छा डाइवोर्स को लेके क्या बात कही गई है, तो देखिए नो मैरिज कैन बी डिजॉल्व विदाउट ए कोर्ट ऑर्डर और एल्स इट कैन अट्रैक्ट इम्प्रीजमेंट अप टू 3 ईयर्स। देखिए क्या कहता है कि शादी मतलब शादी नहीं टूट सकती है, ठीक ना, डाइवोर्स नहीं टूट सकती बिना कोर्ट के ऑर्डर के, ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसे तलाक देंगे तो जेल होगी उनको 3 साल की, ठीक है ना। अब देखिए कहता है इंपॉर्टेंटली सेक्शन 28 प्रोहिबिट्स द इनिशिएशन ऑफ डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स अनलेस 1 ईयर हैज इलेप्स्ड सिंस द डेट ऑफ मैरिज। तो सेक्शन 28 में क्या कहता है, तो डाइवोर्स जो है
कब तक नहीं होगा? जब तक 1 साल जो है शादी के, जो मतलब जिस दिन शादी है वहां उस दिन से लेके 1 साल तक जो है दोनों को रिलेशन में रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर सकता है, वो डाइवोर्स ले सकता है, ये सेक्शन 28 में लिखा हुआ है। हाँ, महिलाएं जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। कब ले सकती है? इसके लिए कंडीशंस, वो फाइट कर सकती है। तो तब ले सकते, जब हस्बैंड, जब हस्बैंड को क्या होगा, जैसे कोई रेप चार्ज में अगर फंस गया और वो गिल्टी फाउंड है, ठीक ना, या अननेचुरल सेक्स ऑफेंस कर रहा है, तब जो है, और उसके बाद इफ ही हैज मोर देन वन वाइफ, अगर या उसके एक से ज्यादा वाइफ है, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस किया, और रेपिस्ट अगर है, मतलब दे फाउंड गिल्टी, तब जो है महिलाएं क्या कर सकती है, डाइवोर्स के लिए कोर्ट में सो कर सकती है। फिर कहता, फॉलोइंग ए डाइवोर्स द कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड अप टू 5 ईयर्स रिमेंस विद द मदर। अच्छा, अगर डाइवोर्स हो गया और बच्चा है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड किसके कस्टडी में है? तो चाइल्ड जो है माता जी की कस्टडी में रहेगा 5 साल तक, ठीक है ना, जब तक बच्चे का 5 साल नहीं हो जाए। अब कहता, हाउ आर इनहेरिटेंस राइट्स अफेक्टेड। अच्छा, इनहेरिटेंस राइट कैसे अफेक्टेड होगा? इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगत, समझते हैं इसको। देखिए क्या कहता है, ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द बिल इज दैट इट अबॉलिशेस द कोपार्सनरी सिस्टम गवर्निंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो दस्तावेजी समझते हैं व्यवस्था, वसीयतनामा, जैसे कहता है ना कि मैं अपना जमीन, ये वसीयत में लिखा है मेरे पिताजी का जमीन जो है फलना हाँ बेटा सर, को, हाँ हाँ, उसको बोलते हैं कोपार्सनरी सिस्टम। तो इसमें क्या हो गया, इस चीज को खत्म कर दिया गया। ये आता था हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर है, कि कैसे जमीन का बंटवारा होगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, किसमें लिखा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। अब इसमें क्या खत्म किया गया, देखिए, कहता, दस द सेम स्कीम ऑफ सक्सेशन विल नाउ अप्लाई टू बोथ एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर हिंदू। तो वसीयत नामा जो व्यवस्था है, इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, तो जैसे कि मान लो कि पिताजी है और पिताजी के पिताजी, मतलब ग्रैंड ग्रैंडफादर, अगर दादाजी ने जमीन खरीदा तो वो क्या होगा, पोता में बटेगा, पोता जितना है, लेकिन बाप की जो संपत्ति है उसका डिवीजन नहीं हो, मतलब वो चाहे तो डिवीजन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे जो खानदानी जमीन है, जो दादा परदादा ने खरीदा, उसका बंटवारा होगा, क्या पिताजी ने जो जमीन खरीदा उसमें बंटवारा होगा, तो पहले था नहीं होगा, ठीक है ना, ये नियम है। अब क्या हो गया, इस नियम को खत्म कर दिया गया, कहाँ पे, उत्तराखंड में, मतलब अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो ये चीजें खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि जो जमीन खुद से खरीदा है और जो जमीन पैतृक संपत्ति है, एंसेस्टर का है, मतलब समझे, जो खानदानी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, उसका भी बंटवारा होगा, और उसके बाद जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब खुद से खरीदा हुआ पिताजी, उसके भी जमीन में क्या होगा, बंटवारा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो बोलो, जल्दी समझे बोलो, किसी को आ दिक्कत गया है? सर, आ गया सर, आ गया। अब कहता है, डज द बिल क्रिमिनलाइज मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिस। अब देखिए, कहता है कि ये बिल से क्या मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है वो क्रिमिनलाइज होगा या नहीं होगा, देखते हैं। कहता है, एग्जिस्टिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस गवर्निंग मैरिज एंड डाइवोर्स सच एज निकाह, हलाला, इद्दत एंड ट्रिपल तलाक हैव बीन क्रिमिनलाइज्ड विदाउट एक्सप्लिसिटली नेमिंग देम। कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो प्रैक्टिस है कि शादी कैसे होगी, डाइवोर्स कैसे होगा, ठीक ना, जैसे कि निकाह होता है, उसमें निकाह, हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें हैं उनके प्रैक्टिस में, मुस्लिम लॉ में। तो कहता है कि ये क्या हो जाएगा, अब क्रिमिनलाइज हो जाएगा, एक अपराध हो जाएगा बिना इसके नाम लिए, समझे, क्योंकि इनका तो अलग अलग है सिस्टम। जैसे समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, सेक्शन 30 का क्लॉज 1 में दिया है, कहता है कि द राइट ऑफ ए पर्सन टू री मैरी द डाइवोर्स स्पाउस कैन ओनली बी एक्सरसाइज विदाउट एनी कंडीशन सच एज मैरिंग ए थर्ड पर्सन बिफोर सच ए मैरिज। तो कहता है कि जैसे ये है, जैसे यहाँ पे ये शादी हो रही, ठीक ना, अब क्या हो गया, दोनों में डाइवोर्स हो गया, तो
तो डाइवोर्स हो गया। तो ये जो शादी अगर करना चाहे किसी से, ठीक है ना, ऐसे नहीं शादी कर सकता है। तो उनके साथ बहुत सारे कंडीशंस है कि पहले उनको एक और शादी करना पड़ेगा, तब वो फिर जो है इनसे शादी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कहता है कि बिना कंडीशन के, समझ गए, बिना कंडीशन के क्या कर सकता है, वो शादी कर सकता है, कोई कंडीशन नहीं। कहता दिस देयरफॉर प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ निकाह हलाला। तो इससे क्या होगा, जो निकाह हलाला है वो क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आई, निकाह हलाला मतलब डाइवोर्स हो गया, फिर अगर वो शादी करना चाहे लड़की, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक और शादी कर, मतलब वो उनमें होते हैं प्राइस उनमें, फिर वो जो है कंडीशंस रखते हैं, मतलब वो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये लड़की अब शादी कर सकती है, तब जो है शादी फिर से उनका होगा उस लड़की का। तो ये चीजें बंद हो जाएगी इससे, अगर ये कानून लागू हुए तो। फिर देखिए सेक्शन 32 क्या कहता है, फर्दर प्रोवाइड्स दैट एनीवन हु कंपेल्स एवेट्स और इंड्यूसेस टू ऑब्जर्व एनी सच कंडीशन बिफोर री मैरिज विल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और ऑल्सो बी लाइबल टू पे ए फाइन ऑफ 1 लाख। कहता है कि अगर कोई इस तरह के रीति रिवाज, जैसे निकाह हलाला है, अगर इसे कोई करने के लिए मजबूरन मतलब जबरदस्ती किया या बोलेगा नहीं करना ही है, तो ऐसे आदमी मतलब फिर से रीमैरिज के लिए अगर ये सब कोई जबरदस्ती करेगा कि नहीं तुम्हें ये कायदे कानून अपनाने पड़ेंगे, तो ऐसे आदमी को जो है पनिशमेंट मिलेगा 3 साल के लिए, ठीक है, अप टू 3, मतलब 0 से लेकर 3 साल तक, और फाइन भी देना पड़ेगा 1 लाख तक। समझ में आया आप लोग को कैसे कैसे ये कानून बदल जाएंगे यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में, जल्दी बोलो। हाँ सर, हाँ पर सर कुछ चीज तो सेम ही रहेंगी ना, कुछ चीज तो हाँ बहुत सेम ही कुछ, लग रही हाँ है उसमें। बहुत कुछ सेम है, सब कुछ नहीं बदल सकते आप। चलिए आगे देखिए, एक न्यूज है, क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्च साइटेशन, तो इसको शॉर्ट में याद रखिए सीपीआर। तो ये क्या होता है कि जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है, जैसे हार्ट गया रुक, ठीक ना, हार्ट बीट जो है चलना रुक गया, तो क्या करते हैं, जैसे ये फिगर देखिए, इसको पंप करता है ऐसे चेस्ट पे हाथ रख के, और 100 से 120 बार जो है कंप्रेस करता है 1 मिनट में। फिल्म वगैरह में देखे होंगे ऐसा चीज, तो यही है सीपीआर। तो इसमें होता क्या है, कहता है कि ये एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसीजर है, ठीक ना, सीपीआर, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोइंग टू द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। देखिए क्या कहता है, जैसे हार्ट का क्या काम है, हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट का मतलब होता है जैसे हार्ट बीट करेगा धक धक जो कहते हैं, तो ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के हर ऑर्गेन में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उन्हें इनर्जी चाहिए। तो इनर्जी कैसे मिलेगा जी, ऑक्सीजन से ना, ऑक्सीजन से मिलेगा, ऑक्सीजन किस में रहता है, ब्लड में मिला हुआ, ठीक है। तो कहता है कि अगर मान लीजिए धक धक करना रुक गया हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट स्टॉप, तो उस समय क्या होता है कि ये जो सीपीआर वाला प्रोसेस करते हैं जो देख रहे हैं फिगर में, ये ऐसे पर, तो इससे क्या होता है कि उस समय ब्लड जो है पहुंचता है ब्रेन में और सारे बॉडी ऑर्गेन्स में। समझ गए, यह दिक्कत है। ऐसा करने से ना सर। हाँ जैसे होता है ना कि हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे एक न्यूज देखिए, पोलिनेटर प्लांट इंट्रैक्शन डिसरप्टेड बाय नाइट्रेट रेडिकल्स। पोलिनेशन समझते होंगे आप लोग, ठीक ना, पोलन ग्रेन जो होता है क्या होता है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के पास पहुंचता है पोलन ग्रेन में, सॉरी पोलिनेशन। अब इसमें दिया हुआ एक, ये जो है कीट है, इंसेक्ट है, हॉक मॉथ है, आई थिंक यही नाम होगा, हाँ ये देखिए हॉक मोथ, ये दिख रहा है आप लोग देखे होंगे, ये नॉक्टर्नल होता है, रात मतलब रात, ये जो इंसेक्ट है रात में चलते हैं। आप देखिए फूल आप लोग देखे होंगे, कलरफुल फूल होते हैं कि नहीं होते हैं, फूल कलरफुल होते हैं, कोई व्हाइट हाँ होगा, जी कोई रेड होगा, है ना, बहुत सारे फूलों में क्या होती है, अलग अलग तरह की खुशबू होती है, सेंट होता है परफ्यूम के जैसे।
फिल किए हो? यस सर। हाँ हाँ सर। अच्छा क्यों होता है ये समझना चाहिए हमें, इसमें यही बारे में दिया। देखिए फूल जो कलरफुल होते हैं और उसके बाद उसमें जो सेंट होती है, गंध होती है, एक्चुअली वो क्या करती है, पॉलिनेशन में काम आता है। जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा होता है, समझ गए, फूलों के कलर और सेंट। तो किनके लिए? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि क्या हो, पॉलिनेशन हो, समझ गए, रिप्रोडक्शन वहां होता है, इसलिए। तो कहता है एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स जैसे क्या है, ओजोन और नाइट्रेट रेडिकल्स, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो फ्लावर है उससे जो परफ्यूम निकलता है, जो सेंट निकलता है, उसे खत्म किया जा रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा है एयर पोल्यूशन से। तो ये चिंता की विषय है। जैसे हॉक मॉथ, इसको स्फिंक्स मॉथ भी बोलते हैं, ठीक ना, तो ये क्या है, पॉलिनेटर्स है ये, और बहुत सारे प्लांट स्पीसीज में पॉलिनेटर्स हैं। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, ये कीड़ा देखिए, और इसका ये देखिए, दिख रहा है पतला सा, यस ये ऐसे टेंटिकल की तरह रहता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं ये प्रोबोस सिस, प्रोबोस, हाँ प्रोबोस सिसेस, मतलब ये है ना टेंटिकल ऐसे है। ये क्या करता है, फूलों में एकदम लंबा सा होता है, तो फूल के बहुत अंदर तक जाएगा, फिर फूल के रस को क्या करता है, ये सक कर लिया, जब वो सक कर लेगा फिर उसका दूसरे फ्लावर में जाएगा, देखे होंगे ये आप लोग, ठीक है ना। तो ये अब क्या हो रहा है कि कम होते जा रहा है, किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, मतलब फ्लावर अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है किसको, इंसेक्ट को। चलिए तो यहीं तक था आज तक आज का, जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कल मिलते हैं।